हरे कृष्णा, आप सब लोग का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद। हम लोग प्रथम स्कंद के 16वें अध्याय में हैं। परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया, और कल हम लोग नंबर 12 तक किया था ना हमने, 11 तक किया। हाँ, 11-12 दोनों पढ़ लिया था हमने। तब महाराज परीक्षित ने पृथ्वी लोक के समस्त भागों मद्राश्य केतुमाल भारत कुरु जंगल का उत्तरी भाग किम पुरुष इत्यादि को जीत लिया और उनके शासकों से भेंटे वसूल की। तो परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी इनके भेंट का वृत्तांत यहाँ पर बताया जाएगा। इसका क्रम आगे बढ़ते बढ़ते, और जैसे कि हम कल देख रहे थे, परीक्षित महाराज अपने राज्य का दौरा कर रहे हैं। उस राज्य का दौरा करते हुए उन्हें एक सीन दिखाई दिया कि एक शूद्र गाय और बैल के जोड़ों को मार रहा था। उस पर नैमिषारण्य के ऋषियों ने प्रश्न पूछा और कहा कि हमें इसके बारे में बतलाइए, यदि यह कृष्ण कथा से संबंधित है तो। और कुछ 4-5 श्लोकों में शौनकादि ऋषियों ने कलयुग के जीवों की अवस्था का वर्णन किया कि किस तरह से हमारे पास समय कम है और कार्य बहुत बड़ा है, इसलिए हमें अपने समय का उपयोग बहुत ही सावधानी से और बहुत ही कुशलता से करना जरूरी है। उसके बाद फिर जब परीक्षित महाराज देखे कि उनके राज्य में, तो सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब उन्होंने देखा कि उनके राज्य में श्लोक नंबर 10 में कि किस प्रकार कलयुग के लक्षणों का उन्हें अंदेशा हुआ, तो उसको दूर करने हेतु परीक्षित महाराज अपने धनुष बाण के साथ सैनिक कार्रवाई करने के लिए आगे निकल गए, जो कि 10वें श्लोक में बताया गया था। फिर 12वें श्लोक में उनके सेना का वर्णन है 11वें श्लोक में। फिर 12वें श्लोक में देखा गया कि किस प्रकार परीक्षित महाराज जी अलग अलग भागों से बढ़ते हुए आगे गए और अलग अलग जो प्रांत थे वहां से वो टैक्स वसूल कर रहे हैं। टैक्स नहीं एग्जैक्टली, बट वहां पे जो भी उनको गिफ्ट मिल रहा था वो ले रहे थे। तो अलग अलग ये प्रांत है, भद्राश्च केतुमाल भारत कुरु जंगल का उत्तरी भाग किम पुरुष इत्यादि। उसके बाद उसी श्लोक के लास्ट के पर्पट में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, दूसरे शब्दों में महाराज परीक्षित ने सारा विश्व जीत लिया था। उन्होंने सभी महाद्वीपों की सभी दिशाओं के समस्त सागरों से सटे हुए भाग अर्थात पूर्वी पश्चिमी उत्तरी और दक्षिणी भागों को जीत लिया था, राइट। एंड देन फिर 13वें श्लोक से आगे इस क्रम को बढ़ाते हैं। अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 13, 14 और 15, 3 श्लोक। तत्र तत्रोपशृणवान् स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रकीयमाणा च यशः कृष्णमहात्म्यसूचकम् आत्मानां च परित्रातम् अश्वत्थाम्नोऽस्त्र तेजसः स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे तेभ्यः परमसन्तुष्टः प्रत्युद्रुद्धितलोचनः महादनानिवासांसि ददोहारान् महामनः। राजा जहां कहीं भी जाता उसे निरंतर अपने उन महान पूर्वजों का, जो सभी भगवत भक्त थे, यशोगान तथा भगवान श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यों की गाथा सुनने को मिलती। वे यह भी सुनते कि किस तरह वे स्वयं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रचंड ताप से भगवान कृष्ण द्वारा बचाए गए थे। लोग वृष्णि तथा पृथावंशियों के मध्य अत्यधिक स्नेह का भी उल्लेख करते, क्योंकि पृथा भगवान केशव के प्रति अत्यधिक श्रद्धावान थी। राजा ने ऐसे यशोगान करने वालों से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम संतोष के साथ अपनी आंखें खोली। दार्तावश उसने प्रसन्न होकर उन्हें मूल्यवान हार तथा वस्त्र भेंट किए। हरे कृष्ण प्रभु की दंड। तो परीक्षित महाराज के
उनके विचरण करते हुए अलग अलग राज्यों को जीतते समय किस प्रकार का उन्हें किस प्रकार के लोगों से उनका सामना हुआ, इसका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है इन तीन श्लोकों में। जैसे कि इस श्लोक में बताया गया है कि राजा जहां कहीं भी जाते थे उन्हें अपने महान पूर्वजों का यशोगान सुनने मिलता था, राइट। तत्र तत्रोप शुणवान स्व पूर्वेशम महात्मनाम। अब पूरा भागवत और पूरा महाभारत तो इनके ही पूर्वजों से भरा हुआ है, राइट। अब कोई कथा भी सुनने जाएंगे पुराणों में या फिर महाभारत में या फिर, तो इनके ही वंश की कथाएं आने चालू हो जाएंगी। इसलिए परीक्षित महाराज का पहले भी वर्णन किया गया है, ये कोई साधारण राजा नहीं थे, पहले से ही महाभागवत थे। ऐसा नहीं था कि सुखदेव गोस्वामी से मिलने के बाद महाभागवत बने। वो रामभद्र जी प्रभु को क्या हुआ, उनका कनेक्ट हुआ, कॉल किया था आपको सृष्टिपति प्रभु? अच्छा, उन्होंने डाला था कि ओपन नहीं हो रहा है लिंक करके जूम का। हाँ, कल डाला था लेकिन आज भी डाला है। नहीं, मैंने उनको फिर व्हाट्सएप डाला था कि आप वो आपसे कांटेक्ट कर ले, आपको तो नहीं किया हुआ तो पता नहीं, ठीक है। अच्छा। बाद में बात कर लीजिएगा। जो भी भगवत जो सभी भगवत भक्त थे तथा भगवान श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यों की गाथा सुनने को उन्हें मिलती थी। अब देखिए, परीक्षित महाराज एक्चुअली निकले हैं किसके लिए, कॉन्क्वेस्ट करने के लिए। कॉन्क्वेस्ट यानी कि विजय प्राप्त करने हेतु निकले हैं, अपने राज्य का दौरा कर रहे हैं। लेकिन आप इस श्लोक से एक बहुत ही सुंदर चीज समझेंगे यहाँ पे। अब जनरली क्या होता है कि हम लोग इस संसार में जब कॉन्क्वेस्ट करते हैं, कॉन्क्वेस्ट यानी कि विजय रथ निकालते हैं अपना। अब हम सब लोग विजय रथ निकालते हुए निकल रहे हैं ना जगत में। मैंने ये जीत लिया, मैंने ये जीत लिया, मैंने ये पड़ाव जीत लिया, अभी अगला पड़ाव ये है, वो मैं वो जीत रहा हूँ, फिर वो पड़ाव जीत रहा हूँ। तो जनरली हम लोग उस जीत में इतने इंटॉक्सिकेट हो जाते हैं और उस जीत में हमारी खुशी ढूंढते हैं, और जहां भी हमारी हार होती है तो हमें क्या होता है, दुख होता है। हम सोचते हैं कि हम इस जगत में जीतने के लिए आए हैं, जबकि भगवान ने जगत हमारे लिए बनाया हारने के लिए, राइट। यहां तक कि एज ए डिवोटी हम लोग हारते ही रहेंगे हमेशा, राइट। और जब हम हारेंगे तो हमें इस बात का साक्षात्कार होगा धीरे धीरे कि वास्तविक हम तो हारने के लिए बने हुए हैं। और जब हम हारेंगे तभी रियलाइज कर पाएंगे कि हमारे तो कोई औकात ही नहीं है, नहीं तो जीतेंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा आपको। इसलिए हमारे लाइफ के जो रिवर्सल्स रहते हैं, बहुत बार द रिवर्सल्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम लोगों को साक्षात्कार हो कि हम लोग अणु हैं, भगवान विभू हैं। इस संसार में केवल एक ही व्यक्ति विजेता है और वो है भगवान, जो कभी हारते नहीं। और चूंकि हम लोग क्या है कि हमेशा सुख पाने की अभिलाषा हेतु इस जगत में कार्य करते हैं, लेकिन किससे, अपनी ही बात को मनवा के। हमसे जो भी प्रोजेक्ट हम करते हैं, जो भी प्लान बनाते हैं, सब सक्सेस होना चाहिए भाई। इवन एज ए डिवोटी हम लोग सोचते हैं कि ये सक्सेसफुल होगा। नहीं, जबकि एज ए डिवोटी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमेशा जब सरस्वती ठाकुर को कुछ प्रोजेक्ट के बारे में पूछते थे उनके डिसाइपल्स की, गुरु महाराज ये करना है, अब यहाँ पे ये प्रोजेक्ट चालू करना है, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बोलते थे, कृष्णा विलिंग इफ सो कृष्णा डिजायर्स, अगर कृष्ण की इच्छा हो तो हम ये कार्य में सफल हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा अर्थ है उसका, इसको ऐड करना। बहुत सारे भक्त बोलते हैं जब हम उनको पूछेंगे कि ये प्रोजेक्ट ऐसा है, कृष्णा विलिंग, मैं अगर सही सलामत रहा तो वापस आ जाऊंगा, कृष्णा विलिंग आज फेस्टिवल अच्छा हो जाएगा, कृष्णा विलिंग आज मेरा ऑफिस अच्छा रहेगा। कृष्णा विलिंग में बहुत अर्थ रहता है, क्योंकि कृष्ण का विल आपको केवल तथाकथित जीत दिलाने के लिए नहीं है, राइट। कृष्णा विलिंग मतलब कृष्णा विलिंग में हारने के बाद भी आपकी जीत हो सकती है, अगर हम भगवान की चेतना में अपने आप को बनाए रख सके, क्योंकि अल्टीमेटली हमको तो कृष्णा कॉन्शियस बनना है ना, चाहे वो हमारी हार हो या चाहे जीत हो,
उद्देश्य जीवन का ये नहीं कि हमें जीतना है या हारना है, उद्देश्य जीवन का हमें कृष्ण भावना भावित होना है। तो अगर समझो कभी आप हार के कृष्ण भावना भावित हो सकते हो तो चलो हारना ही अच्छा है ना। फिर जरूरी थोड़ी है कि जीत कर ही कृष्ण भावना भावित होना है हमें। श्रीमद् भागवत के बहुत क्या सारे उदाहरण ऐसे ही हैं। हार के कृष्ण भावना भावित कैसे हुए वो बताते हैं। प्रहलाद महाराज कहां जीते थे? प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, कुंती महारानी, सारे पांडव, गजेंद्र, ये लोग हार के ही कृष्ण भावना भावित हो गए ना, है ना। पूरी रामायण, पूरी रामायण पूरी दुख से भरी हुई है शुरू से लेकर अंत तक। शुरुआत के कुछ केवल रहेंगे, थोड़े से लीला है, फिर बहुत लंबा फेज केवल दुख का फेज है, और अंत में सीता मैया को रेस्क्यू कर लिया गया, थोड़ा सा सुख, उसके बाद इमीडिएटली तुरंत दुख, फिर सीता को अबेंडन करना पड़ा, यू नो। तो भगवान दिखाना चाहते हैं कि भौतिक जगत में हार या जीत इससे कुछ भी लेना देना नहीं। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जय हो, भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं गीता में। सुख और दुख में समभाव से रहो अर्जुन, क्योंकि जीवन का उद्देश्य ना तो सुख में रहना है ना तो दुख में रहना है, कृष्ण भावना भावित होने हैं, और कृष्ण भावना भावित होने में ही वास्तविक सुख है। तो आप बोलेंगे इसका ये अर्थ यहाँ पे क्या है? इसका अर्थ यहाँ पे ये है कि परीक्षित महाराज जब अपने विजय यात्रा पे निकले हुए हैं एक काइंड ऑफ, लेकिन विजय यात्रा में जब उनको ये लोग मिलते थे और उनके पूर्वजों का और भगवान कृष्ण का गुणगान करते थे, तो परीक्षित महाराज जैसे यहाँ पे कहा गया है, यू नो, तेभ्य परम संतुष्ट, तेभ्य परम संतुष्ट प्रीति रुज्जुभीत, हर्ष से क्या हो जाते थे परीक्षित महाराज? खुश हो जाते थे। यानी कि परीक्षित और खुश होने के बाद क्या करते थे? अत्यधिक प्रसन्न होकर परम संतोष के साथ अपनी आंखें खोलते और उदारता वश उन्हें प्रसन्न होकर मूल्यवान मालाएं तथा वस्त्र भेंट किया करते थे, राइट? ये दिखाता है कि हमें जीवन के किस चीज में खुशी ढूंढनी है। परीक्षित महाराज किसमें खुशी ढूंढ रहे हैं? इसमें नहीं, मैंने ये जीत लिया। अभी देखिए इसके पहले कितने सारे राज्य जीते उन्होंने। अरे हम एक घर जीत ले तो हम कितने खुश हो जाते हैं। मैंने एक घर जीत लिया, यानी कि इन द सेंस कि मेरा घर एकदम बढ़िया है, मेरे ऑफिस में सब कुछ बढ़िया है, मेरे दोस्तों के साथ मेरी बहुत सारी अच्छी दोस्ती है, जरा भी खटास नहीं है मित्रता में, मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा है, कितने हम उल्लासित हो जाते हैं। परीक्षित महाराज क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये जो आप यहाँ पे वर्णन सुने हैं पिछले श्लोक में, ये बड़े बड़े द्वीप हैं, है ना, पृथ्वी के बड़े बड़े क्षेत्र है जिनको कॉन्कर करके आगे निकल, लेकिन परीक्षित महाराज उसमें आनंद नहीं ले रहे हैं। पिछले श्लोक में क्या बताया गया? ऐसा नहीं बताया गया कि वो एकदम प्रसन्न हो गए जीत कर सब कुछ। सिंपल बताया गया उन्होंने, यू नो, इन राज्यों को जीता और अपना वसूली, मतलब जो भी उनको भेंट मिल रहा था वो भेंट लेके आगे निकल रहे थे। लेकिन जब ये आगे वाला श्लोक आया तो बताते हैं कि परीक्षित महाराज जब अपने पूर्वजों का, यानी कि जो भगवान के भक्त हैं और उनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण, इनका जब गुणगान सुनते हैं तो क्या हो जाते हैं? अति प्रसन्न हो जाते हैं। यानी कि हमें जीवन में सुख किसमें ढूंढना है? हमारी तथाकथित जीत में नहीं या तथाकथित हार में नहीं, बल्कि भगवान का अगर हम गुणगान कर रहे हैं किसी भी अवस्था में तो हमारी खुशी है उसमें। क्योंकि अल्टीमेटली भौतिक जगत ऐसा क्षेत्र है, प्रभुपद आगे वर्णन करते ही इसका, कि जहां पे कोई गारंटी नहीं है। आपने अभी कुछ सुख बना के रखा होगा, आपने सोचा होगा मैंने कब्जा कर लिया, मैंने कैप्चर कर लिया, मेरे पॉकेट में है मेरा सुख, आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी रहेगा मेरे पॉकेट में है, यू नो, या फिर जो भी छोटा छोटा सुख हमारे जीवन में रहता है हमने जेब में रखा होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, सॉरी टू से, लेकिन यही सच्चाई है जीवन की। वो हमसे कब फिसल जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। तो उसके ऊपर निर्भर रहना, उसके ऊपर आश्रित रहना सुख के लिए, ये बहुत बड़ा छलावा है हमारे साथ आत्मा का। आत्मा का बहुत बड़ा क्या है? धोखा है।
है ना, इसलिए मैं कल जो बता रहा था, जो हमारे एक भक्त को मैंने पूछा था, अपना दिल भगवान के चरणों में रखे जाओ, आपको बताया था कि नहीं बताया था? वो दूसरे क्लास में बताया था, जब तुकाराम महाराज के पूर्वज एक थे विश्वंभर करके, वो पंढरपुर जाते थे ना, हर एकादशी जाते थे पंढरपुर, कहां से, यहाँ पुणे से पैदल चलकर, मतलब सोचिए कितना भक्ति था उनका। आज से 1000 साल पहले की कथा है ये। तो अपना जब भी पंढरपुर से वापस लौटते थे तो वर्णन आता है कि अपना दिल भगवान के चरणों में रखकर वहां से वापस आते थे। तो मैं ऐसे ही बोलते बोलते बोल दे, एक भक्त को हमारे सामने बैठे थे, मैं बोला अपना हृदय भगवान के चरणों में रख के आ जाना जब भी मंदिर से वापस घर आओगे। तो बोला प्रभु जी ऐसा करेंगे तो मर जाऊंगा, बिना हार्ट के कैसे जिंदा रहूंगा मैं। तो उसको समझ में नहीं आया, उसको लगा कि हार्ट बॉडी से निकाल के उधर रखना है। तो मैंने बोला भाई ऐसे नहीं, अपना हार्ट रखना मतलब अपना मन जो है भगवान के चरण कमलों में रख के वहां पे आ जाओ। इससे क्या होगा, जब हमारा मन हमने भगवान के चरण कमलों में रख दिया तो फिर संसार में हम कहीं भी विचरण करें, हमारा मन कोई चुरा नहीं सकता है, हमारा मन कोई दूषित नहीं कर सकता है, हमारा मन कोई प्रभावित नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने मन को तो अपने साथ रखा ही नहीं, मन को तो भगवान के चरणों में छोड़ दिया। फिर मैं बता रहा था एक भक्त को, उधर ही बैठे थे सामने यार, आईओएस के, प्रभु नीचे रख दीजिए मैं क्लास में हूं, सॉरी पीछे से आवाज, पर्दे के पीछे से। तो हमारे वो एक भक्त थे आईओएस के, उनको मैंने बोला एक बाजू में दूसरे थे, बोले दुख क्यों आता है जीवन में, तो दोनों में कुछ तो खुशबुस खुशबुस हो रहा था, कुछ तो बात कर रहे थे। तो मैं बोला क्या हुआ, तो बोला धोखा धोखा। मैं बोला तुम्हारे साथ किसी ने धोखा किया है क्या? है ना, जीवन में धोखा होता है हमारे साथ, तो हम दुख होता है ना हमें, हमारे साथ पूरे भौतिक जगत में धोखा ही तो होते आ रहे हैं, बहुत सारे लोग धोखा ही करते हैं ना। अरे खुद हम अपने आप से धोखा कर रहे हैं तो फिर सुख कैसे आएगा, जब जहां पे हमें अपना दिल नहीं देना चाहिए वहां पे देंगे तो धोखा ही तो होगा, और क्या होगा आपके साथ, जहां देना है वहां नहीं देते। परीक्षित महाराज देखिए पूरे विश्व का भ्रमण कर रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन उनका हृदय कहां पे है, ठाकुर जी के चरणों में है। उस दिन मैं खोपोली में सत्संग कार्यक्रम था, कार्यक्रम के बाद झूम वापस मेरा हाथ ऊपर कर रहे हैं। झूम को भी कथा सुननी है। तो परीक्षित महाराज, ठीक है उनको हाथ नीचे कर देते हैं, तो सॉरी खोपोली में मैं कथा कर रहा था, तो खोपोली में कथा करते करते ऐसे ही चल रहा था, लोग बैठे थे मेरे साथ, है ना, बाद में प्रोग्राम हुआ, किसी का बर्थडे था, 3-4 लोगों का बर्थडे था, केक भी काटे गए सब कुछ, तो पूरा फैमिली आया था, उन्होंने स्पॉन्सर किया था प्रसाद। फिर वो फैमिली की जो माता जी थी वो धीरे से मेरे कान में बोलती है, मेरा बेटा जर्मनी गया है, दूसरा बेटा लंदन जा रहा है। नहीं सुनाई दिया आपको, नित्य सुंदरी माता जी सुनाई दिया ना, नहीं सुनाई दिया, नहीं सुनाई दिया, नहीं सुनाई दिया। अच्छा मुझे लग ही रहा था, आपके हाव-भाव देख के समझ में आया। वो माता जी बोल रही थी मेरा एक बेटा जर्मनी गया है। अच्छा। धीरे बोल रही थी, धीरे से, सब लोग ना सुने, मेरे को कान में आके बोल रही थी, मेरा एक बेटा लंदन गया है, दूसरा जा रहा है, बेटी यूएसए में है। कहाँ है, मंगला माता जी यूएसए में। वो बोल रही थी मैं तो ऑलरेडी यूएसए में हूँ। तो क्या होता है ना कि हम लोग इस संसार में खुशी किसमें ढूंढते हैं, भौतिक संसाधनों में ढूंढते हैं, भौतिक प्रगति में ढूंढते हैं कि मैं, अभी बहुत सारे लोग उल्लासित हैं कि हम चांद पे पहुंच गए। तो अच्छी बात है, लेकिन अभी हम कहीं भी जाएं, लेकिन हमें तो अपना नित्य धर्म तो अपना एक ही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भौतिक जगत में कहीं भी जाइए, आहार निद्रा भय मैथुन आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीछा नहीं छोड़ेगा, ये प्रिजन सेल है। जस्ट बिकॉज यू आर ईटिंग इन गोल्ड प्लेट, गोल्डन प्लेट, सोने के थाली में खाते हैं और कोई प्लास्टिक के थाली में खाता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि गोल्ड के प्लेट में खाने वाले का खाना 5 मिनट में हजम हो जाता है, कुछ ऐसा है क्या, या फिर उसको ज्यादा टेस्टी लगता है प्लास्टिक वाले प्लेट से, नहीं ना। भौतिक जगत की जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसको हमें रिकॉग्नाइज करना जरूरी है, जो परीक्षित महाराज यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं।
कि खुशी अगर ढूंढनी है तो उन चीजों में मत ढूंढो जहां पे खुशी क्षणिक है। आपने आज एक प्रांत जीत लिया, कल एक प्रांत जीत लिया, कितना जीतेंगे आप? जैसे हमने 13वें अध्याय में देख रहे थे धृतराष्ट्र के प्रसंग में कि एक टाइगर जंगल में एक हिरण के पीछे शिकार करने के लिए भागता है, बराबर। टाइगर भाग रहा है, हिरण भी भाग रहा है। हिरण किस लिए भाग रहा है? अपने जीवन के प्राण, जीवन बचाने के लिए भाग रहा है ना। और टाइगर किस लिए भाग रहा है? वो भी अपने जीवन प्राण बचाने के लिए भाग रहा है। दोनों ही अपने प्राण बचाने के लिए भाग रहे हैं। ये बहुत ही जगत की सच्चाई है। और टाइगर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आज मैंने अगर हिरण को मार दिया तो मैं जीत गया, मैं जीत गया। नहीं बेटा, तुम्हारे पीछे भी एक सनातन काल लगा हुआ है जो तुम्हारा पीछा कर रहा है। उसको कभी याद करोगे जो तुम्हें धर दबोचने के लिए रेडी है। इसीलिए तथाकथित सुख की जो वस्तुएं इस जगत में है उनमें आनंद ढूंढना मूर्खता है। ये मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं भी माया में रहता हूँ, ब्रह्म में रहता हूँ। ये कहते हुए ये नहीं कि मैं महाभागवत बन गया हूं या मैं ऐसा चीज। ये हम भागवत में सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज से सीख रहे हैं। परीक्षित महाराज उन चीजों में आनंद नहीं ढूंढ रहे हैं जहां पे आनंद नहीं है, है ना। तो परीक्षित महाराज जी बोलते मैं भद्राक्ष, है ना, मैं केतुमाल में गया। कहां यूएसए लंदन आपका, और कहां परीक्षित महाराज पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी में भ्रमण कर रहे हैं, राइट। इंसान को अपनी खुशी और अपना आनंद वहां ढूंढना चाहिए जहां पे गारंटी है कि इन्वेस्ट करने के बाद हमें वहां से रिटर्न पक्का मिलेगा। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो एक नंबर के बिजनेसमैन होते हैं, एक नंबर। क्योंकि वो जानते हैं कहां इन्वेस्ट करना है। उसी को तो बिजनेसमैन कहते हैं ना, ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां से रिटर्न जबरदस्त मिलेगा। तो भगवान के भक्त कहां इन्वेस्ट करते हैं? भगवान के भक्त भगवान के नाम में, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के नाम में, भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में वहां अपना समय बिताते हैं। और ठीक है, ये शरीर हमने लिया है, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं भौतिक जगत की, उसको निभा दे रही है, नो प्रॉब्लम। गृहस्थ जीवन है, ब्रह्मचारी जीवन है, जो भी अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है निभाते रहिए, है ना। तो ऐसा नहीं कि हम ब्रह्मचारी है तो हम 24 घंटा एक्सटेसी में रहते हैं, है ना। ब्रह्मचारी का भी प्रिस्क्राइब ड्यूटी रहता है ना। अब उसको बोल दिया जाएगा, चलो भाई अभी हमने कल ही ऑर्डर किया गीता मैराथन का बुक, 60,000 भगवदगीता ऑर्डर किया, अब उसको कहाँ रखना है, उसका बहुत बड़ा एंजाइटी है, गोडाउन ढूंढो, यहाँ वहाँ भागते रहो, उसको दिन भर भागना है भाई। हम सोचेंगे हम तो यहाँ पे आए थे आराम से बैठ के भजन करेंगे, अपना भोजन मिलेगा तो चलेगा, थोड़ा बहुत खा लेंगे, थोड़ा नींद ले लेंगे। लेकिन प्रिस्क्राइब ड्यूटी है ना ब्रह्मचारी का, गुरु की सेवा करना, राइट, करना पड़ेगा। आपका भी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, आपने घर में किसी के साथ विवाह किया है, किसी के साथ रहते हैं, आपके पुत्र पत्नी है, उनका ख्याल रखना है, आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, राइट। तो उसको करते करते अपनी खुशी इसमें मैं ढूंढिए कि अरे घोड़ा मिल गया, बहुत बड़ा मुझे, हाँ मैं जीत गया, टेम्पररी खुशी है भाई। एक गोडाउन गया तो दूसरा और ढूंढना पड़ेगा। परमानेंट खुशी परीक्षित महाराज आपके बता रहे हैं, राइट। वो खुशी किसमें ढूंढ रहे हैं परीक्षित महाराज? ही इज डिलाइटेड टू सी, यस, या भगवान में, और भगवान का गुणगान किस तरह से हो रहा है। परीक्षित महाराज इज डिलाइटेड टू सी डिवोशनल सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल। देखो दूसरों की भक्ति दूसरे कोई, ये कुंती महारानी की प्रेयर में आता है, सुनवंती गायंती गुणंती साधव, है ना। दूसरों को भक्ति करते हुए देखकर अगर हमें हर्ष होता है तो ये सबसे बड़ा भक्ति में एडवांसमेंट का लक्षण है। कई बार हम लोग खुश नहीं होते दूसरों को भक्ति, अच्छी भक्ति करते हुए देखकर। हम तो कुछ लोग ऐसे होते कि ईर्ष्या से जल जाते हैं, यार उसको इतना इंटरेस्ट कैसे आ रहा है भक्ति में, मुझे क्यों नहीं आ रहा है। इसी कारण की वजह से नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम दूसरों की एक्सटेसी देख के चल रहे हो। अगर कोई भक्त अच्छा जप कर रहा है, कोई भक्त अच्छा भागवत का अध्ययन कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो उसे देखकर हमें खुश होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, राइट। तो परीक्षित महाराज देख रहे हैं कि जहां जहां वो जिस प्रांत में घूम रहे हैं वहां पे लोग क्या कर रहे हैं, उनको भगवान का यशोगान सुना रहे हैं, और उनके पूर्वज, अभी उनके पूर्वज कौन है, सारे भगवान के भक्त हैं, उनकी कथाओं को सुना रहे हैं। जब उनकी कथाएं परीक्षित महाराज सुन रहे थे, उनको हर्ष से उनका हृदय प्रफुल्लित हो रहा है। यानी कि जीवन की प्रायोरिटी क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, उन्होंने अपना टारगेट सेट कर दिया है। राजा तो नाम के लिए बने थे परीक्षित,
इतने बड़े महाभागवत श्रवण के आचार्य थोड़ी ना केवल राजपाट में चलते रहेंगे। जैसे जनक महाराज सीता देवी के पिता है ना, उनकी कथा आपने सुनी होगी, भागवत कथा में उनके राजमहल में भागवत कथाएं होती थी। तो पंडित जी जो कथा सुनाने वाले थे, जब तक जनक महाराज नहीं आते थे तब तक कथा चालू नहीं होती थी। तो कुछ तथाकथित जो कथा सुनने वाले लोग थे उनको लगता था कि ये जो पंडित कथा सुना रहे हैं पैसे के लिए सुना रहे हैं, ये राजा जब तक आता नहीं तब तक कथा चालू नहीं करते, मतलब क्या है, हम लोग क्या है, फिर हम लोग भक्त नहीं है क्या। तो एक दिन आग लगा दी किसी ने पूरे राज्य में, यहाँ वहां आलिंगन घर जलने लगे, कथा चालू थी और कथा पंडाल में न्यूज आया है कि घर जल रहे सारे लोग है। जनक महाराज उठे नहीं वहां से, सब लोग भाग गए वहां से, अरे मेरा घर जल गया, मेरा ये हुआ, मेरा वो हुआ। तो सब लोग, और फिर जब वो सब लोग गए देखा तो कुछ जला नहीं था, किसी ने अफवाह फैला दी थी, सबको पता चला असली भागवत का श्रोता कौन है, इसीलिए उनके लिए वो पंडित जी रुकते थे, हमारे लिए रुकते, दिस इज द रीजन। तो ऐसे महान महान चक्रवर्ती सम्राट या राजा होके गए हैं, राजपाट तो केवल नाम के लिए था, अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी है चलो पूरा कर लेते, लेकिन असली उनका मन भगवान के चरण में था। जैसे अम्बरीश महाराज है भागवत के नवम स्कंद में आपको मिलेंगे, है ना, ये सारे पांडव थे, उनका सारा मन भगवान के चरण में लगा हुआ था। बेस्ट इन्वेस्टमेंट, 100% रिटर्न, नो लॉस, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं, इसको आगे बढ़ाते हुए प्रभुपाद लिखते हैं बीच में, महाराज परीक्षित तो विश्व के विख्यात सम्राटों में से थे, अतएव विश्व के जिन जिन स्थानों में जाते वहीं उनको मान पत्र दिया जाता। इन संबंधों के विषय होते थे कृष्ण, कृष्ण का अर्थ है कृष्ण तथा उनके सनातन भक्त, जिस तरह राजा का अर्थ होता है राजा तथा उसके विश्वास पात्र दरबारीगण, राइट। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखते हैं, कृष्ण तथा उनके अनन्य भक्तों को विलग नहीं किया जा सकता, अतएव भक्त के यशोगान का अर्थ है भगवान का यशोगान, और भगवान के यशोगान का अर्थ है भक्त का यशोगान। ये इतनी दुर्लभ चीज है मनुष्य जीवन में, आप सोचिए हम लोग जब भी भगवान की कथा सुनते हैं, स्पेशली एक तो हम कथा क्रम कैसे सुनते हैं, नॉर्मल कथा सुनते हैं, नॉर्मल यानी कि एक कथा डायरेक्ट भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान कितने यू नो उनके क्या क्या गुण हैं, भगवान कितने सुंदर है वगैरह वगैरह, एक टाइप है कथा का। दूसरा टाइप है भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, जैसे भगवान राम शबरी के पास जब गए, भगवान ने शबरी के जूठे बेर खाए, जिनको वेदों में और यू नो तंत्र मंत्र करके शुद्धि करके भोग लगाया जाता है, वो शबरी का जूठा बेर खा रहे, कितना प्रेम है सोचिए भगवान का भक्तों से। ये है दूसरे टाइप की कथा, स्पेशली ये जो दूसरे टाइप की कथा है ना, जिसमें भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, ऐसी कथाएं सुनने से हमारा भगवान से प्रेम और बढ़ता है, तेज गति से बढ़ता है, आपको अनुभव रहेगा। ये तो डायरेक्ट कथा होती है भगवान की, और दूसरा होता है भगवान भक्त से कितना प्रेम करते हैं, यू नो। तो परीक्षित महाराज यहाँ पे ऐसी कथाएं सुन रहे थे कि भगवान अपने भक्तों के साथ किस प्रकार यू नो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। महाराज परीक्षित को अपने पूर्वज महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन का यशोगान सुनकर इतनी प्रसन्नता न होती यदि वे सब भगवान कृष्ण के कार्यकलापों से जुड़े न होते। भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने परित्राण साधु नाम के उद्देश्य से ही अवतरित होते हैं, राइट, लाइक दैट। और फिर आगे एक सुंदर लाइन लिखते हैं, भक्तगण भगवान की उपस्थिति से ही महिमा मंडित हो जाते हैं, क्योंकि वे भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों के बिना क्षण भर भी नहीं रह सकते। जिस प्रकार एक लड़की जो एक लड़के के प्रेम में, या फिर लड़का लड़के के प्रेम में, वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन टेम्पररी होता है वो बाय द वे इल्यूजन, लेकिन ये जो उसी प्रकार का एनर्जी काइंड ऑफ, जब भक्त को भगवान से प्रेम हो जाता है तो भक्त भगवान के बगैर नहीं रह सकता और भगवान भक्त के बगैर नहीं रह सकते, राइट। भक्तों के लिए भगवान अपने कार्यों तथा महिमा से उपस्थित रहते हैं, अतएव जब भगवान के कार्यों द्वारा उनका यशोगान किया जा रहा था तो उन्हें भगवान की उपस्थिति का अनुभव हुआ, विशेष रूप से भगवान ने माता के गर्भ में उनकी रक्षा की थी, एंड सो फॉर्थ। ऐसे बहुत सारी चीजें प्रभुपाद आगे लिखते हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा। हाँ, और एक चीज प्रभुपाद लिखते हैं लास्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि जो जो लोग भगवान परीक्षित महाराज को भगवान की कथाएं सुनाते थे, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं
कि ऐसे उद्बोधन तथ्यों तथा आंकड़ों से भरे होते थे और जो इन उद्बोधनों को भेंट करता था वहां प्रचुर पुरस्कार पाता था। किंतु आजकल जो स्वागत उद्बोधन भेंट किया जाता है उसमें वास्तविक आंकड़े नहीं रहते, वह किसी पदाधिकारी को प्रसन्न करने के लिए भेंट किया जाता है और प्राय चापुल्य से भरा हुआ रहता है और शायद ही ऐसा मान भेंट करने वाले कभी कोई पुरस्कार पाता हो। ये आजकल और उस वैदिक काल के वर्णनों के उसमें अंतर है। हम किसी का वर्णन करते हैं, आजकल लोग किस लिए वर्णन करते हैं? ऑफिस में कोई भी उसका सेक्रेटरी अपने बॉस की वाहवाही क्यों करता है? भाई कंपनी में रहना है, थोड़ा भी अगर उल्टा पुल्टा बोल दिया तो फिर हो गया काम, भले गलत भी क्यों ना हो बॉस, मुझे सही ही करके बोलना ही पड़ेगा। ऐसी हमारी सभ्यता है और हम ऐसे सभ्यता में कठपुतली बने हुए, राइट। तो अभी ये बताने के बाद कि परीक्षित महाराज आनंद किसमें ले रहे थे? भगवान की भक्ति में, ना कि इस संसार को भोगने में या फिर मैं जीत गया उस चीज में। और फिर अगले श्लोक में बताते हैं कि ऐसा क्या था जो पांडवों को भगवान इतना प्रेम क्यों करते थे और किस प्रकार करते थे, उसका वर्णन दिया 16वें श्लोक में। सृष्टि गति ग्रुप पढ़िए 16 नंबर। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दव्य वीरासन अनुगमन निस्तवन प्रणामान स्निग्धेषु पांडेषु पांडुषु जगत् प्रणतिं च विष्णु भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे। महाराज परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन सारा जगत करता है, उन्होंने अपनी अहित की कृपा से पांडु के विनीत पुत्रों की उनकी इच्छानुसार सभी प्रकार से सेवाएं की, जिनमें सारथी बनने से लेकर अग्र पूजा ग्रहण करने तथा दूत बनने, मित्र बनने, रात्रि में रक्षक बनकर सेवाएं करने के कार्य सम्मिलित हैं। उन्होंने सेवक की भांति पांडवों की आज्ञा का पालन किया तथा आयु में छोटों की भांति उन्हें प्रणाम किया। जब महाराज परीक्षित ने ये सब सुना तो वे भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत हो उठे। मतलब ये वर्णन पढ़ने के बाद कोई बोलेगा नहीं दूसरे धर्म का आदमी कि ये भगवान है, भगवान है। एक शब्द वहां पे दिया गया, क्या कहां गया? सारथी बने ये तो सबने देखा है, लेकिन मित्र बने, रात्रि के रक्षक बनकर सेवाएं करने के कार्य सम्मिलित, वॉचमैन, नाइट वॉचमैन कौन बनता है भाई? दिन में सेवा कर सकते हो, रात्रि में रात्र भर जागकर। इसका वर्णन महाभारत में आता है, जब अर्जुन ने निश्चय किया था कि मैं जयद्रथ का वध करूंगा 13वें दिन में। महाभारत के जब अभिमन्यु का वध हुआ था तो उसने निश्चय किया कि अगर कल मैं जयद्रथ को नहीं मारूंगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। ऐसे बहुत बार अर्जुन ने प्रयास किया। भगवान बोलते थे अरे बावले, जरा सोच समझ कर कुछ वाव लिया कर यार, हमेशा मुझे टेंशन में डाल देते हैं। अब अर्जुन को भी पता होगा कि मैं अगर कोई वाव लूंगा पूरा नहीं होगा तो ठाकुर जी है ना मेरे पूरा करने के लिए। आपका अर्जुन बर्डन नहीं बनना चाहते थे भगवान के ऊपर, लेकिन भगवान के भक्त जानते हैं कि भगवान रक्षा करेंगे मेरी। जैसे दुर्योधन ये भीष्मदेव को बोले, यही प्रसंग में, इससे दूसरा प्रसंग, दुर्योधन भीष्मदेव को बोले कि क्या दादाजी आप बहुत प्रेम करते हो पांडवों से, तो आप उनको मार नहीं रहे हो, मैं देख रहा हूं। हाँ, तो भीष्मदेव जो सुने तो गुस्सा हो गए, बोले कल खत्म कर दूंगा। तो आपको पता है वो कथा पांच बाणों की, पांच बाण थे, दुर्योधन ने बोला कि मेरे पास रखो, इतना उतावला था वो। उसको लगा कि भीष्म के पास रहेंगे तो कहीं कोई उठा के ना लेके जाए, मैं सुरक्षित रखूंगा। लेकिन भगवान उनको चैन नहीं हो रहा था कि अब कल अर्जुन का खात्मा होने वाला है, तो भगवान ने भेज दिया अर्जुन को और याद दिलाया। अर्जुन ने एक बार दुर्योधन को बचाया था किसी संकट से और वर प्राप्त किया था कि जब भी तुम मांगोगे मनचाही चीज मैं दे दूंगा, दुर्योधन ने बोला था। तो अर्जुन ने बोला लाओ बाण लाओ। अरे भगवान इनकॉन्सिबल है, अचिंत्य है, भगवान कैसे किसको कहां कैसे उद्धार करेंगे हम नहीं समझ सकते। उनके तथा कथित दिए जाने वाले संकट में भी हमारा उद्धार होता है। गजेंद्र को कैसे उद्धारा उन्होंने, इतना बड़ा संकट दिया, सबको लगा अभी खत्म गजेंद्र, लेकिन उसी से गजेंद्र की भक्ति
और भगवान की महानता उभर कर बाहर आई, राइट। तो उसी प्रकार ये दूसरा प्रसंग है जब भगवान नाइट के वॉचमैन बने थे, तो जयद्रथ का वध करने के लिए प्रण तो ले लिया, लेकिन सबको मालूम है कौरवों को कि अभी कल हमको क्या करना है पूरे दिन। तो कौरवों ने निश्चय कर लिया कि पूरे दिन हमें कल क्या करना है, हमारा टारगेट एक ही है, जयद्रथ को बचाना। और भगवान को रात भर नींद नहीं, भगवान यहां से वहां घूम रहे हैं ना, हम लोग टेंशन में चलते हैं ना घर में, यहां से वहां, इस दरवाजे से उस दरवाजे तक। सती भी ऐसे चलती है, भागवत के चतुष्कंध में आएगा, जब शिव जी बोलते नहीं जाना है आपको, पिताजी के आगे में नहीं जाना है, टेंशन में आ जाती है, बोलती है अरे मेरी वहां पे मम्मी आई है, मेरी बहन आई है, बड़ा फेस्टिवल हो रहा है, हम फेस्टिवल में जाऊंगी। गौर कृष्ण महाराज बोलते हैं हम फेस्टिवल में जाऊंगी, फेस्टिवल हो रहा है ना। ये खास करके जो भी माता है उनको, मतलब समझो आपके रिश्ते वाले बहन, यू नो आपकी सिस्टर माता सब लोग कितना हर्षित हो जाते हैं, फेस्टिवल। शिवजी बोलते नहीं जाना आपको, तो चलते ये दरवाजे से उस दरवाजे, उस दरवाजे से ये दरवाजा, भगवान भी ऐसे चल रहे थे। और दारुक को बोला था, दारुक रेडी रहो, रथ रेडी रहना रखना, और मेरे सारे अस्त्र शस्त्र रेडी रखो, हमें वध करना है कल। अर्जुन को कुछ भी हो गया, मैं अर्जुन को कुछ भी नहीं होने दे सकता। रात भर भगवान जगे, वो एक प्रसंग है, बहुत सारे प्रसंग है, वीरासन, यू नो। और ये सब क्यों, भगवान ये सब क्यों कर रहे हैं, यू नो, इतने सारे मित्र बन रहे, कभी उनके वॉचमैन बन रहे, कभी ड्राइवर बन रहे, कभी उनके लिए क्या 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 कर रहे हैं भगवान, उसके लिए विशेष शब्द का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। कहाँ चला, स्निग्धेशु पांडेशु जगत प्रणीतम च विष्णु, क्योंकि पांडवों को भगवान के लिए इतना स्नेह है, उस स्नेह के बल पर उन्होंने भगवान को क्या कर लिया है, जीत लिया है, यू नो। देखिए क्या होता है ना, अभी ये आपने इस जगत में भी उदाहरण देखा होगा कि किसी व्यक्ति से अगर आपका स्नेह रहेगा, यू नो, किसी व्यक्ति से अगर आप स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, तो आप क्या हो जाते हैं, मैलिएबल, उसको इंग्लिश में शब्द है मैलिएबल यानी कि लचीला, यानी कि किसी भी तरह से एडजस्ट करके झुकने के लिए रेडी हो जाता है, उसको बोलते हैं मैलिएबल, है ना। तो अभी समझो, अगर से फॉर एग्जांपल, यू नो, अगर आपने बोला कि ये मेरा प्लान है, लेकिन आपके घर में जो व्यक्ति है जिससे आप प्रेम करते हो, उसने बोला नहीं नहीं ये प्लान नहीं है मेरा, एक्चुअली ऐसे करना है, तो आप क्या बोलते हैं, ठीक है, अब एडजस्ट करते हैं ना। क्यों एडजस्ट करते हैं, क्योंकि आपको उनसे स्नेह है, प्रेम है, जहां स्नेह है और प्रेम आता है वहां पे आप चीजों को एडजस्ट कर लेते हैं। उसी प्रकार जब हम भगवान से प्रेम करते हैं, और देखिए वापस वही चीज यहाँ पे उभर कर आई है कि बिकॉज पांडव को भगवान से स्नेह है, इसलिए पांडव भगवान के किसी भी चीज के सामने झुकने के लिए रेडी है। अब पांडवों ने भी अपना प्लान बनाया होगा ना कि इस प्रकार हमें राज्य चलाना है, इस प्रकार हमें आगे बढ़ना है, लेकिन भगवान ने बोला नहीं ऐसे नहीं बढ़ना है आगे। आपको तो इंद्रप्रस्थ में ही मिलेगा आपका राज्य, यू नो, हस्तिनापुर में नहीं मिलेगा। तो पांडव ने झगड़ा नहीं किया भगवान से, यार ऐसे कैसे, हम आपके भक्त हैं और आपको जंगल में जाके बोल रहे हो राज्य बनाने के लिए। भगवान बोले बनाओ तो सही, ऐसा महल बनाऊंगा तुम्हारे लिए, ऐसी अरेंजमेंट करूंगा कि दुर्योधन भी क्या करेगा, ईर्ष्या से मर जाएगा बेचारा। इसीलिए देखिए भगवान का जो प्लान होता है हमारे लिए बेस्ट प्लान होता है। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो प्रभुपाद ने क्या कहा, नचाओ नचाओ प्रभु, मुझे आप जिस प्रकार नचाना चाहते हैं नचाइए, क्योंकि आपके नचाने में ही जीव की क्या है, सार्थकता है जीवन की उसकी, क्योंकि आप नचाएंगे तो परफेक्टली नचाएंगे, और मैं खुद नाचना चाहूं तो क्या पता मेरा पैर टूट जाए नाचते नाचते, है ना, कहीं गड्ढे में गिर जाऊं जाके मैं। मेरे नाचने में और आपके नचाने में बहुत बड़ा अंतर है प्रभु, जब आप नचाएंगे तो एम्पावर करके नचाएंगे मुझे, मैं खुद नाचूंगा तो एम्पावर नहीं होऊंगा मैं। मेक मी पपेट, मेक मी डांस, बहुत बड़ी चीज है ये जीवन में, राइट। इसीलिए जब हम भगवान के प्लान के साथ एडजस्ट करने को रेडी हो जाते हैं, तब जाके भगवान भी रेडी हो जाते हैं आपको वो सब कुछ देने के लिए जो बहुत ही दुर्लभ चीज है ना, और वो है शुद्ध भक्ति। हम लोग कई बार प्रे करते होंगे, भगवान मुझे शुद्ध भक्त बना दो यार, क्यों बना दो, मैं भौतिक जगत के कष्टों से ही तंग आ चुका हूँ।
मुझे शुद्ध बनना है ताकि मैं खुश रहूं। अरे भैया, शुद्ध भक्ता में इसलिए नहीं बनना है कि हम जगत के तापों से मुक्त हो जाएं। ये भी क्या हो गई, भक्ति मुक्त, सॉरी भुक्ति मुक्ति सिद्धिगामी सकल अशांत, इसमें भी अशांत रहोगे। हमें शुद्ध भक्ता इसलिए बनना है ताकि हम भगवान की सेवा कर सके निरंतर, जो कि जीव का धर्म है। इसलिए पांडव मैलेबल थे, यू नो, अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा के साथ मोड़ते थे, इसलिए भगवान भी उनके लिए रेडी है सब कुछ करने के लिए, है ना। जब आप किसी से प्रेम करते हैं और आप एडजस्ट करते हैं, तो सामने वाला भी जब आप कुछ मांगेंगे तो वो भी एडजस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। इट्स अ रेसिप्रोकल, राइट। अब आप किसी के सामने झुक जाते हैं और वो अगर ना झुके तो नेक्स्ट टाइम आप नहीं झुकेंगे, बोलेंगे यार लास्ट टाइम बहुत धोखा दिया था तुमने, इस बार कुछ भी नहीं, तो अपना मैं मेरा, वो हिंदी में कहते हैं ना, सॉरी इंग्लिश में TTMM, एक्चुअली वेस्टर्न कंट्री में ऐसा होता है। लोग, बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो घर से अलग हो जाता है, माता पिता अलग रहते हैं, अपना अपना खर्चा खुद। एक बार हमारे ब्रह्मचारी ब्रजविहारी को बता रहे थे, वो लोग जब रेस्टोरेंट में प्रसाद लेने के लिए आते हैं, बहुत दिनों के बाद माँ मिली, बेटा हाय मॉम, अब प्रसाद के लिए बैठेंगे रेस्टोरेंट में की टेबल पर, पैसा लेकिन सबको अपना अपना भरना है, नहीं भरते एक दूसरे का पैसा वो लोग। TTMM, तू तेरा मैं मेरा, इतना बेकार कल्चर है वेस्ट में, इतना मतलब हॉरिबल कल्चर है, कुछ भी ग्रेटिट्यूड नहीं है अपने। और दिया तो मतलब ऐसा दिखाएंगे, आज मैंने पैसा भर दिया, आज मैंने माँ के लिए मतलब होटल में खाना खिलाया मैंने, भैया उपकार किया है क्या? तुम्हें तो उनको जीवन भर सेवा करनी चाहिए, जिसकी वजह से तुम संसार में आए, है ना, और जिसकी वजह से आए वो परम भगवान, उसको तो माँ और बेटा दोनों को मिलकर सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे कल्चर से लोग गुजरते हैं तो फिर वहां कैसा मतलब प्रेम होगा, क्या स्नेह होगा, राइट। बट बिकॉज पांडवाज आर मेलेबल, है ना। और एक सुंदर लाइन चतुर्थ को यहाँ पे देते हैं, उनका एनेक्डोट सुंदर है वो, आवर डिवोशन इज फेलिएबल इफ वी आर नॉट मेलिएबल। आवर डिवोशन इज फेलिएबल इफ वी आर नॉट मेलिएबल, मतलब हमारा भक्ति कभी भी गिर सकता है अगर हम मैलेबल नहीं है, मतलब भगवान के प्लान के साथ एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। भगवान का प्लान इनकंसीवेबल है, किस प्लान से कैसे हमको आगे लेके जाएंगे पता नहीं चलता है। लेकिन हर समय हमें भगवान को क्या करना चाहिए, पुकारते रहना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसीलिए हिंदी में एक गाना है, वो बहुत कम भक्त गाते हैं उसको, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। बहुत कठिन है बोलना भगवान को, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं, हम बोलते हैं जहां हमें जाना है वहीं लेके चलिए ठाकुर जी। हम उसका रिवर्स बोलते हैं, लेकिन भगवान एक्चुअली कैसे हैं, हमें बोलना चाहिए जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जीवन समर्पित चरणों में तेरे, मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है कि किसके चरणों में समर्पित है, ये तो तब पता चलेगा जब ये सारी परीक्षाएं आएंगी, राइट। तो इसलिए हम अपना प्लान बना सकते हैं, लेकिन रेडी रहिए कि भगवान अगर प्लान में चेंज करना चाहिए चाहे तो डिस्टर्ब मत हो जाइए। ओके कृष्णा, आपकी इच्छा है ना, चलो मेरा श्रवण कीर्तन छूटना नहीं चाहिए, बस वो हमारा प्राइमरी कंसर्न होना चाहिए। बाकी किस तरह से हमको श्रवण कीर्तन कराएंगे भगवान, भगवान के हाथ में, राइट। तो इस प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं कि ये पांडव सारे भगवान से अनन्य भक्ति करते थे। प्रभुपाद जैसे लिखते हैं, भगवान कृष्ण पांडव जैसे अनन्य भक्तों के लिए सर्वस्व है, वे उनके लिए परमेश्वर गुरु आराध्य देव पथ प्रदर्शक सारथी मित्र सेवक दूत तथा जो भी कुछ सोचा जा सकता है वो सब कुछ थे। इस प्रकार भगवान ने भी पांडवों की भावनाओं का प्रतिपादन प्रतिदान किया। और परीक्षित महाराज भगवान के शुद्ध भक्ति के रूप में भगवान द्वारा अपने भक्तों की भावनाओं के दिव्य आदान प्रदान का महत्व समझ सकते थे और इस तरह के स्वयं भगवान के आचरण से अनुभूत थे। देखिए प्रभुपाद कितना सुंदर लिखते हैं, मात्र अपने शुद्ध भक्तों के साथ भगवान के आचरण के महत्व को समझ लेने से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो जो गीता में आपने सुना है ना, क्या सुना है वो, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवमे व्यति तत्वता तत्यादेहं पुनर्जन्म इति मामे कि सुअर्जुन, जन्म कर्म दिव्य ये है, मेरे कर्म कैसे दिव्य है, मेरे जन्म कैसे दिव्य है कि मैं कैसे दिव्य आदान प्रदान अपने भक्तों के साथ करता हूँ, राइट। फिर आगे बढ़ाते हैं 17वें श्लोक में, पढ़िए नित्य सुंदरी माता जी, आप लोग पढ़ना चाहेंगे दोनों में से कोई एक पढ़िए। वर्तमानस्य
अब तुम लोग से वह घटना सुन सकते हो जो तब घटी जब महाराज परीक्षित अपने पूर्वजों की उत्तम वृत्तियों के विषय में सुनते हुए तथा उन विचारों में डूबे हुए अपने दिन बिता रहे। Yes. हरे कृष्णा। तो भौतिक जगत ऐसा है कि एक जगह पे भक्ति का बाढ़ आया हुआ है, लेकिन अभी एक ऐसी घटना का वर्णन चालू होगा यहाँ से जहाँ पे दुख होगा उसको सुनकर हमें, राइट, डिस्ट्रप्शन दिखेगा आपको भक्ति का। तो सुत गोस्वामी अभी उस कोर डिस्कशन में आ रहे हैं जो इस चैप्टर का मेन ये होगा, 18वें श्लोक में पढ़िए। हरिपरायण प्रभु श्लोक का अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। आपका और हमारा संपर्क टूट गया है, चंद्रमा में विक्रम लैंडर लैंड होते समय कनेक्शन टूट गया। चलेगा, आप कनेक्शन जुड़े तब तक मैं किसी और को बोलता हूँ। रमेश मोदी प्रभु पढ़िए आप। साक्षात धर्म बेल के रूप में विचरण कर रहा था, उसे गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मिली जो ऐसी माता के समान शोकग्रस्त दिखाई पड़ी जो अपना पुत्र खो चुकी हो। उसी आंखों में आंसू थे और उसके शरीर का सौंदर्य उड़ गया था। धर्म ने पृथ्वी से इस प्रकार प्रश्न किया। हरे कृष्णा धन्वंतरि। हरे कृष्णा। तो अभी यहाँ पे ये दो कैरेक्टर ऐड हो गए भागवत में जो कि बहुत इम्पोर्टेंट प्रसंग है यहाँ पे जो आ रहा है वो। साक्षात धर्म जो कि बैल के रूप में विचरण कर रहा था और गाय जो पृथ्वी के रूप में विचरण कर रही थी, राइट, इन दोनों की ऐसी हालत सामने दिखने लगी, है ना। दोनों दुखी थे और उनके शरीर का तेज खो गया था और गाय ऐसे रो रही थी जैसे अपने पुत्र को खो चुकी हूँ, राइट। तो धर्मा अभी इसके ऊपर प्रश्न करेंगे। तो प्रभुपाद परपड़ में लिखते हैं, बैल नैतिक सिद्धांत का प्रतीक है और गाय पृथ्वी की प्रतिनिधि है। जब गाय बैल तथा गाय प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं तो ये माना जाता है कि संसार भर के लोग भी प्रसन्न है और हमारा पूरा संसार तो किससे है, इन दो दीन पशुओं के दुख से भरा हुआ है। पश्चिम के देशों में गाय और बैलों की कत्ल की जाती है, लाखों में लोग मारते हैं रोज, उसी का अनुकरण आज भारत कर रहा है। अभी मोदी जी के नेतृत्व में धीरे धीरे कम होने का संभावना है, है ना। बट ये हालत हमारे संसार की है तो फिर इंसान सुखी कैसे होगा। इस सिविलाइजेशन का, है ना, मानक दंड क्या होना चाहिए। गाय और बैल अगर खुश है तो इंसान प्रॉस्पेरिटी में है ये देखा जा सकता है, लेकिन दोनों दुखी है तो फिर कैसे। इसका कारण यह है कि बैल खेतों से अन्न उपजाने में सहायता करता है और गाय दूध देती है। समग्र भोज्य आहार में चमत्कारिक पदार्थ है। अतः मानव समाज इन दो महत्वपूर्ण पशुओं का बड़ी ही सावधानी से पालन करती है जिससे प्रसन्नता पूर्वक सर्वत्र विचरण कर सके। लेकिन आज कलयुग में क्या हो रहा है, दोनों का वध हो रहा है, राइट। समस्त मानव समाज के कल्याण हेतु ब्राह्मण सभ्यता के समस्त सांस्कृतिक मामले में सर्वोपरि सिद्धि मानकर बैल तथा गाय को बचाया जा सकता है। इसके लिए कृष्ण भावना का प्रचार करना जरूरी है। जिनकी बुद्धि मोटी हो गई है उनको तो ऐसे प्रिंसिपल समझ में नहीं आएंगे कभी, वो तो केवल किसी भी चीज को एक, है ना, भोजन के रूप में देखते हैं, राइट। और यही मेंटेलिटी उन्हें अगले जन्म में फिर पशुओं का रूप देती है। तो गाय बैल के साथ दुर्व्यवहार होता है और जो परिणाम निकलता है उसे निम्नलिखित प्रमुख लक्षण है। तो फिर आगे बता रहे हैं 19वें श्लोक में कि इस प्रकार जब गाय और बैल इनका जब ठीक ठीक से ध्यान नहीं रखा जाता है तो अभी धर्म पूछ रहे हैं और प्रभुपाद पैरेलल देते हैं। यहाँ पे दो पैरेलल डिस्कशन चल रहे हैं, एक तो धर्म और गाय, ये दोनों इसका भी बाद में धीरे धीरे कंक्लूजन निकलेगा, इसका कोड ये क्या है, वर्ड कोड मीनिंग क्या है। साथ में प्रभुपाद पैरेलल दे रहे परपोट में कि किस प्रकार हमें सांस्कृतिक तरीके से हमें गाय और बैल इनकी रक्षा करनी चाहिए। 19 नंबर का श्लोक, पांडव सखी माता जी कहाँ चले गए, लगता है प्रसाद बनाने चले गए हैं, ठीक है कोई बात नहीं।
हरि पुराण टू लगता है आप कनेक्ट हो गए हैं। चंद्रायन फोर हम स्टार्ट कर लेते हैं अभी। यस पढ़िए श्लोक नंबर 19। धर्म ने बेल रूप से पूछा, हे महोदय आप शोक स्वस्थ तथा प्रसन्न तो है, आप शोक के छाया से आवत क्यों है? आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप मलान पड़ गए हैं। क्या आपको कोई सी भीतरी लोग हो गया है या आप अपने किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रही है? हरे कृष्णा गंगा प्रणाम। यस तो धर्म पूछ रहा है पृथ्वी से ये सारे प्रश्न करके, आपके आप इस तरह दुख में क्यों है? आपको कोई रोग हो गया है या आपके किसी यहाँ से दूर रहने वाले रिलेटिव के बारे में सोच रहे? प्रभुपाद बहुत सुंदर परपोर्ट देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं इस कलयुग में विश्व भर के लोग सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं। प्रभुपाद के परपोर्ट पढ़ के हमें मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, प्रभुपाद पूरा रिवील कर देते हैं कि स्थिति क्या है जगत में। हर एक किसी न किसी रोग से ग्रस्त है। कितने लोग ग्रस्त हैं यहाँ पे रोग से? एक बार आपकी 40 उम्र हो जाने दीजिए, बस 40 क्रॉस कर लिया मतलब बॉडी आपको पूरी लिस्ट देगा दवाई की। ये दवाई हार्ट के लिए, ये दवाई किडनी के लिए, ये दवाई सिर दर्द के लिए, ये दवाई अब मेरे को पीछे मेरे यहाँ गर्दन के पीछे होता है तो कुछ ऐसा ही आता है फंगस जैसा। 2008 या कब तो मैं एक सलून में गया था और वहां जब एक बार बाल काटे थे मैंने, तो बाल थे मेरे 2008, उसके बाद से चालू हो गया था यहाँ पे आना, वो फंगस आज तक गया नहीं। दवाई लगाता हूँ फिर एक महीने गायब हो जाता है, फिर उसके बाद एक महीने में वापस आ जाता है। डॉक्टर से पूछे, डॉक्टर बोले कि ये ऐसा ही है। ये रिकरिंग है, ये नहीं जाएगा कभी, ये ऐसे आते रहेगा। आप दवाई लगाते रहिए मिट जाएगा, फिर लगाते रहिए। अब अल्टीमेटली जब ये शरीर छूटेगा तभी जाएगा ये, तब तक इसके जाने की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि विश्व के लोग हर एक किसी न किसी रोग से ग्रस्त हैं। इस युग में लोगों के चेहरों से ही उनके मनों की बात पढ़ी जा सकती है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा हमारे मन को दर्शित करता है। तो प्रभुपाद एक सुंदर लिख रहे हैं, हर व्यक्ति घर से दूर स्थित अपने संबंध की अनुपस्थिति का अनुभव करता है। और अब तो कलयुग में इतना एडवांसमेंट हो गया है कि हमारे सोशल मीडिया की वजह से पास में बैठे हुए लोगों से हम लोग फोन पे चैट करते हैं, मतलब पास में होते हुए भी उसको आर्टिफिशियली दूर कर देंगे। भाई तुम्हारे सामने बैठा है ना, बात कर लो। ऊपर के फ्लोर में कोई रहेगा नीचे के फ्लोर में, है ना? आज खाने में क्या खाना है? आज कहाँ जाना है? अरे भाई बात कर लो, है ना? पास में रहते हुए भी दूर होने का अभ्यास क्यों कर रहे हो? दूर तो होना ही है एक दिन हमको, तो अभी रहते हुए अभ्यास करने की क्या जरूरत है? कलयुग का विशेष लक्षण यह है कि कोई भी परिवार अब एक साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाता। अरे हमारा टाइम एक टाइम था, एक्चुअली हमने भी इतना नहीं देखा, बट एटलीस्ट हम लोग ऐसे गांव, मतलब एक तो जॉइंट फैमिली रहता है तो एक अलग आनंद होता है जॉइंट फैमिली में रहने का। काका मामा आंटी चाचा कितने लोग प्यार करते हैं आपसे, नहीं? बच्चे फूफा फूफी, ये कितना बड़ा, आपको घर से बाहर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है एंटरटेनमेंट के लिए, घर के अंदर ही मिल जाता है। ये तो वही एक परिवार के, जब एक गांव में रहते हैं आप तो गांव में रहने का भी एक अपना आनंद होता है। गांव के आस पास मतलब आपको पता है हर घर में कौन रहता है, उसके बच्चे कौन है, क्या किसी को भी बुलाओ खेलने के लिए। अभी आजकल बिल्डिंग में लोग रहते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग में, तो बड़े बिल्डिंग में आप देख सकते हैं एक पूरा गांव समा जाता होगा, 5,000 लोग रहते हैं बड़े बड़े टावर्स में या फिर कॉम्प्लेक्स में, लेकिन अपना पड़ोसी कौन है किसी को पता नहीं रहता है। पूछेंगे ना आपका पड़ोसी, ये मेरा पड़ोसी है क्या? प्रोग्राम में आते लोग पूछते कई बार, आप हमारे बाजू में रहते हो, हमको पता नहीं था। अच्छा आज से मुलाकात हो गई हमारी, आज से दोस्ती कर लेते हैं,
वैसी हालत है। और एक सुंदर चीज लिख रहे प्रभुपाद, जीवी को उपार्जन के लिए पिता अपने पुत्र से अथवा पत्नी अपने पति से दूर रहती है। पता है ना नॉर्थ के कितने लोग आते हैं यहाँ पे जॉब करने के लिए, मेरे यहाँ पे 2-3 स्टाफ है ना? तो उस समय मैं उनको बोलता हूँ कि देखो भाई 2-2 महीने में जाया करो घर, 10-10, 15-15 दिन जाके आ जाओ, उनको थोड़ा सा दिलासा मिलता है। ये तो एक्चुअली सेपरेशन है, आप सोचिए ना, जिसने भी यहाँ पे नए नए हमारे स्टाफ रहते, जिसने विवाह किया है अपनी पत्नी से, 2 महीने नहीं हुए उसको घर छोड़ के आना पड़ता है जॉब के लिए, और हम लोग कहते हैं कि हम लोग एडवांस हो गए हैं। अरे भाई अपनी पत्नी से अपने बच्चों से दूर रहे, उसका क्या जीवन में खुशी रहेगा, आप सोचिए जरा, है ना? मतलब बेसिक मटेरियल एंजॉयमेंट भी आप नहीं कर सकते, आधुनिक सभ्यता का यह आपको बहुत बड़ा वरदान है ना? कि आप अपने परिवार के साथ भी नहीं रह पाएंगे। आंतरिक रोग, देखो प्रभुपाद फिर समराइज कर रहे हैं, आंतरिक रोग प्रियजनों से विछोह तथा पूर्ववत स्थिति बनाए रखने की चिंता सबों को सताती है, यही कारण है कि लोग सदैव दुखी रहते हैं, राइट? तो ऑफ कोर्स इसको, इस प्रसंग को फिर आगे बढ़ाएंगे अगले क्लास में। तो ये पैरेलल दे रहे प्रभुपाद, एक तो यहाँ पे धर्म और पृथ्वी, इनका डिस्कशन से एक बहुत ही जबरदस्त रिलीजियस प्रिंसिपल्स बाहर निकलेंगे, एट द सेम टाइम प्रभुपाद हमको हमारे कॉन्टेक्स्ट में है ना बता रहे हैं कि हम किस तरह से आधुनिक सभ्यता में कितने खुश हैं। हम बोलते हैं कि हम बहुत खुश हैं, किसी को भी पूछा जाए, मैं उस दिन महाराज का लेक्चर सुन रहा था, महाराज बोले थे, किसी को भी पूछो बोलता है हाउ आर यू, आई एम फाइन। महाराज बोले थे कि वो फाइन क्यों बोलते हैं पता है, कि भाई कहीं ऑलरेडी दुखी बेचारा, अगर मैं बोल दूं दुखी हो, मेरे दुख से और उसका दुख ऐड हो जाएगा और दुखी हो जाएगा ज्यादा, से बोलता है आई एम फाइन, दुखी होकर बोलता है आई एम फाइन, यू आर फाइन, या आई एम आल्सो फाइन। कौन किसको क्या हो रहा है सबको पता है, बट ये सभ्यता का यू नो आधुनिक सभ्यता का दुष्परिणाम है। अब जितना हम, अब ठीक है जो भी स्थिति जैसी भी, जितना हम कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास करेंगे उतना हम सुखी होते जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ठीक है, इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं अगले क्लास में। आपके प्रश्न अभी भी बाकी है और आपकी एग्जाम, तो हम लोग डेट फिक्स कर लेते हैं एग्जाम की आपकी। एक तो मैंने 10वें अध्याय के प्रश्न दिए थे, आपने अध्याय पढ़ाई भी कर लिया होगा, नोट्स भी बना लिए होंगे। तो अभी ठीक है 31 तारीख, 7 तारीख जन्माष्टमी जाने दीजिए, नहीं जन्माष्टमी जाने के बाद 10 सितंबर चलेगा आपको कि नहीं? 10 सितंबर में हूँ मैं, मंदिर में ही हूँ 10 सितंबर आफ्टरनून, या 10 सितंबर ही थोड़ा रश हो जाएगा आपको क्योंकि जन्माष्टमी तो तुरंत खत्म होती है, 17 सितंबर रख देते हैं, 17 सितंबर अध्याय नंबर 10 और 11 दोनों का अध्याय का हम परीक्षा लेंगे, ठीक है? पर मैं पूरी तरह प्रयास करूंगा कल तक, हम थोड़े बना के रखें ऑलरेडी और पूरे करके आपको कल डिस्पैच करने के क्वेश्चन, तो आप लोग पढ़ाई करना चालू कर दीजिएगा, ठीक है? अध्याय नंबर 10 और 11 तो नित्य सुंदरी माता जी और प्रभु जी आप दोनों भी कर सकते हैं पढ़ाई चालू। अध्याय नंबर 10 के प्रश्न सृष्टिपति प्रभु को शेयर कीजिएगा, वो तो क्या नोट्स मतलब प्रश्न है और उसके उत्तर मैं पैराग्राफ से देता हूँ भागवत के, उसमें लिखा हुआ है कौन से प्रश्न का उत्तर कहाँ पे है, वो आपको पढ़ना है। ये कौन कौन से अध्याय का रहेगा प्रभु जी? 10वें और 11वें दो अध्याय का, 10 और 11 भगवान से ठीक है, हम अपने आप पढ़ लेंगे। नहीं प्रश्न मैं दूंगा आप तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैंने प्रश्न नहीं दिए तो फिर आप समझ लीजिए आपको फिर चांद पे जाना पड़ेगा। श्रीमद्भागवत महापुराण की परीक्षित महाराज की जय, श्री प्रभुपाद जय, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।